Hi friends, welcome to Sir Kandron LDC classes. In this class we are going to see the some previous questions of commercial clerk of railway LDC which has been held on 7th January 2012. The purpose of this class is to know the types of question for English grammar which has asked in part A and the level of the questions. Okay, तो आज हम इस क्लास में 7 जनवरी 2012 में हुए रेलवे एलडीसी का जो कमर्शियल क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसके पार्ट ए में जो इंग्लिश ग्रामर पूछे गए थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसको जो है कैसे हम लोग को जो है सॉल्व करना चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए. ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं. सिलेक्शन फॉर कमर्शियल क्लर्क एग्जाम डेट 7th January 2012 पार्ट ए इंग्लिश ग्रामर. क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशन. फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इसमें पढ़ना है. द ऑफिसर अटेंड डैश द नीड्स ऑफ द पब्लिक. द ऑफिसर अटेंड डैश द नीड्स ऑफ द पब्लिक. ऑफिसर जो है पब्लिक के आवश्यकताओं को, आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं, उनके जरूरतों पे ध्यान देते हैं. यहाँ तो प्रीपोजिशन हो जाएगा, अटेंडेड टू करेंगे. क्या करेंगे? अटेंडेड टू. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? अटेंडेड टू हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर टू था इट इज नॉट एडविजिबल टू इंटर डैश द एनिमीज कैंप. कहता है कि यह एडविजिबल नहीं, मतलब किसी को आप सुझाव सलाह नहीं दे सकते हैं कि दुश्मन के कैंप में एंट्री करो. ठीक है ना, इट इज नॉट एडविजिबल टू इंटर डैश द इनिमीज कैंप. देखिए यहाँ इंटर है, हम इनिमीज के कैंप में जाने का सुझाव नहीं दे सकते हैं, मतलब हम इनिमीज के जो कैंप है उसमें मोशन का इंडिकेशन हो रहा है कि हम जा रहे हैं. क्या हो रहा है? जा रहे हैं, तो मोशन का इंडिकेशन है. ठीक है, तो जब मोशन का इंडिकेशन होता है तो वहां इंटू लगता है, मोशन के इंडिकेशन में इंटू लगता है. जैसे कहते हैं ना ए स्टोन फेल इनटू द वेल, कहते हैं ए स्टोन फेल इनटू द वेल. ठीक है ना, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक पत्थर जो है कुएं में गिर रहा है. तो पत्थर जब कुएं में हम फेंक रहे हैं, गिरा रहे हैं या गिर रहा है, तो उसमें एक गति है, मोशन है. तो जब किसी चीज में गति होता है, मोशन होता है, तो वहां हम लोग इनटू का यूज करते हैं. व्हेन ए बॉडी हैज मोशन इन दिस कंडीशन वी यूज into, INTO. ठीक है, तो यहाँ इसमें मोशन है. जैसे हम ये इनेमिज के कैंप पे जाने की बात हो रही है तो वहाँ एक मोशन की बात हो रही है, गति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे into होगा. जैसे हम कहते हैं I am in the room, मैं इस रूम में हूँ, मतलब मैं इस रूम में हूँ लेकिन हमें कोई मोशन नहीं है. मैं इस रूम में हूँ लेकिन हमें कोई मोशन नहीं, आई एम इन द रूम. लेकिन जब ही कहते हैं कि आई एम इंटरिंग इनटू द रूम, मतलब मैं रूम के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, मैं रूम के अंदर जा रहा हूँ. तो आई एम इंटरिंग इन द रूम का मतलब हो गया कि हमारे अंदर मोशन है. मोशन है तो इंटू लगेगा, मोशन नहीं है तो इन लगेगा. तो यहाँ इनेमिज के कैंप में जाने की बात हो रही है तो यहाँ मोशन, इसलिए यहाँ पे इंटू लगेगा. ठीक है, Find myself short money. I wrote to my father. Find myself short. Short of मतलब होता है कमी होना. Short of मतलब क्या होता है? कमी होना. ठीक है, तो यही short of मतलब कमी हो रहा है, हमें जो है पैसे की कमी हुआ, इसलिए I wrote to my father, हमने अपने पिताजी को पत्र लिखा या लिखा, मैसेज किया. ठीक है ना, तो short of मतलब क्या होता है? कमी होता था. फाइंड माई सेल्फ सॉर्ट ऑफ आई रोट टू माई फादर. अगला है बॉम्बे इज वन ऑफ द मोस्ट, देखिए सुपरलेटिव डिग्री है. ये क्या है आपका? सुपरलेटिव डिग्री. मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है. तो आपको पहले बताए हैं कि सुपरलेटिव डिग्री में जो है मोस्ट के पहले द लगता है. ऐसे भी याद रखिएगा, जहां भी सुपरलेटिव डिग्री होगा उसके पहले द लगेगा ही लगेगा. द ऑलवेज कम्स बिफोर सुपरलेटिव डिग्री. ओके, जैसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक.
माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, हाई हायर हाईएस्ट होता है ना, हाई हायर हाईएस्ट, तो हाईएस्ट हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए द हाईएस्ट लिखते हैं, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट। उसी तरह से यहाँ बॉम्बे इज वन ऑफ द हो जाएगा, मोस्ट हमारा क्या है, सुपरलेटिव है, इसलिए द लगेगा। अगला क्वेश्चन है, द मदर वाज एंग्जियस डैश द वेलफेयर ऑफ हर चाइल्ड। एक माँ जो होती है ना, एक माँ जो होती है अपने बच्चों के प्रति बड़ा चिंतित होती है, सिंसियर होती है कि हमारा बच्चा कैसे आगे बढ़े, अच्छा इंसान कैसे बने, दो पैसा कैसे कमाए, अच्छा से कैसे रहे। दीज आर द फीलिंग्स, दीज आर द एंग्जियस ऑफ द मदर। ठीक है, तो एक माँ जो है हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती है। तो अबाउट जो होता है ना, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते करते हैं, विचारते हैं, तो हम उसके बारे में, के बारे का मतलब होता है अबाउट। जैसे कहते हैं ना, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट महात्मा गांधी, मैं महात्मा गांधी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से द मदर वाज एंग्जियस अबाउट हो जाएगा। यह मम्मी जो है, यह मदर जो है, किसके बारे में चिंता, किसके भलाई की चिंता कर रही है, अपने बच्चे का। द मदर वाज एंग्जियस अबाउट अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर चाइल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, ही हैड टू रिपेंट डैश व्हाट ही हैड डन। देखिए, रिपेंट का मतलब होता है, रिपेंट का मतलब होता है पछताना। रिपेंट का मतलब क्या होता है, पछतावा होना। रिपेंट का मतलब क्या होता है, पछतावा होना, मतलब किसी बात को लेकर दुख होना, सौरो होना। ठीक है, तो कहता है ही हैड टू रिपेंट डैश व्हाट ही हैड डन, कहता है उसको अपने किए में पछतावा, क्या किया भाई। तो यहां देखिए, ही हैड टू रिपेंट ऑफ, ही हैड टू रिपेंट ऑफ व्हाट ही हैड डन, वह जो भी किया है उसको अपने किए पे पछतावा है, शर्मिंदा है। ठीक है ना, उसको दुख है, कष्ट है, तो यहां रिपेंट ऑफ हो जाएगा, ही हैड टू रिपेंट ऑफ। ठीक है, ये हमारे जितना का जितना ये क्वेश्चन है, यह प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, प्रीपोजिशन इसमें फिल करना था कि कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, हमारे अंदर एक विचार आ रहा है कि हम नहीं होगा तो प्रीपोजिशन पे जो है अपना एक क्लास वगैरह जो है कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जो है, ये अबाउट का यूज कहाँ करेंगे, फॉर का यूज कहाँ करें, ऑफ का यूज कहाँ करें, टू का यूज कहाँ करें, ठीक है ना, सिंस का कहाँ करें, फ्रॉम का कहाँ करें, फॉर का कहाँ करें, ठीक है ना, अबव है, इस सब कहाँ करें, तो उससे रिलेटेड एक प्रीपोजिशन पे नहीं होगा तो वीडियो बनाएंगे, थोड़ा बहुत आपको मदद मिलेगा। ठीक है, ये जो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 2012 में कमर्शियल क्लर्क एग्जाम में, वो प्रीपोजिशन से थे। आगे क्वेश्चन था, गिव द करेक्ट मीनिंग, मीनिंग बताना है, सही मीनिंग, बीफ ऑफ, बीफ अप, क्या है बीफ अप, बीफ अप का मतलब होता है, देखिए बीफ अप, बीफ अप का मतलब होता है मजबूत करना, मजबूत करना, मतलब बीफ अप का मतलब होता है स्ट्रांग। बीफ अप का मतलब क्या होता है, स्ट्रांग, स्ट्रेंथ, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मजबूत करना। ठीक है, इसका मीनिंग बताना है, यहां देखिए, वीकेन मतलब कमजोर होता है, वीकेन मतलब क्या होता है, कमजोर होता है, केयर मतलब देखभाल होता है, एमलेसली मतलब होता है दिशाहीन, उसका कोई टारगेट ही नहीं है, स्ट्रेंथेन का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है शक्ति, सामर्थ्य, मजबूती, इसका मतलब है कि बीफ अप का मतलब स्ट्रेंथेन हो जाएगा, मतलब उसका ताकत हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा, उसका पावर हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ बीफ अप इज स्ट्रेंथेन, दैट मीन्स पावर, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी। ठीक है, तो सिनोनिम पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन था, डू अवे विथ, डू अवे विथ, डू अवे विथ का मतलब होता है मुक्त हो जाना, डू अवे विथ का मतलब क्या होता है, मुक्त हो जाना, मुक्त हो जाना मतलब क्या, फ्री हो जाना, डू अवे विथ मतलब फ्री हो जाना, मतलब समथिंग हैज बीन फिनिश्ड, कुछ जो है खत्म हो गया। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, एक्सप्लोड का मतलब होता है विस्फोट होना, रिमूव का मतलब होता है हट जाना, हटा देना, इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना, इरेडिकेट का मतलब क्या होता है,
उन्मूलन करना। डू अवेविस का भी मतलब होता है मुक्त करना। डू अवेविस का मतलब होता है, डू अवेविस का मतलब हो गया मुक्त करना। इरेडिकेट का भी मतलब होता है उन्मूलन करना, मतलब कोई बीमारी है कोई चीज़ है वो खत्म हो रहा है। इसका मतलब है कि डू अवेविस का जो सिनोनिम हो जाएगा वह इरेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ और हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्पेंस विथ। अगला क्वेश्चन है डिस्पेंस विथ। डिस्पेंस विथ का मतलब होता है बिना किसी के। डिस्पेंस विथ का हिंदी होता है बिना किसी के, बिना किसी के। इसी को कहा जाए तो टू बिना किसी के। डिस्पेंस विथ का मतलब क्या होता है? बिना किसी के। बिना किसी के मतलब हो गया To do without out, to do without, कहने का मतलब है अब यहाँ आइए dispense with का synonym क्या हो जाएगा? पहला differentiate, differentiate का मतलब होता है अलग करना बांटना, तो ये differentiate होगा नहीं। उसके बाद है able to differentiate, मतलब हम बांटने में differentiate करने में बांटने में हम सक्षम हैं, वो भी नहीं होगा। टू स्प्लिट, स्प्लिट का भी मतलब होता है तोड़ना, स्प्लिट का भी मतलब क्या होता है? तोड़ने का सेंस होता है, तो भी नहीं होगा। टू डू विदाउट, टू डू विदाउट का मतलब होता है बिना किसी के बिना किसी के हेल्प का। टू डू विदाउट मतलब बिना किसी के सपोर्ट का। तो यहाँ डिस्पेंस विथ का भी मतलब होता है विदाउट एनी वन, और टू डू विदाउट का भी मतलब होता है टेकिंग नो एनी वन हेल्प, आई एम डूइंग द वर्क, मीन्स बिना किसी सपोर्ट के हम काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है डिस्पेंस विथ का हो जाएगा टू डू विदाउट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था टेक द कंसिक्वेंसेस। टेक द कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम ले लो। अगर इसका हिंदी देखे तो परिणाम ले लो, कहने का मतलब है कि रिजल्ट लेने का सेंस में कर रहा है। टेक द कंसिक्वेंसेस का हिंदी होता है परिणाम ले लो। अब यहां देखिए टू बी कंट्रोल ऑफ, मतलब टू बी कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण होता है, टू बी कंट्रोल ऑफ मतलब नियंत्रण में है। अगला है टू डिसकंटिन्यू, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है, वो डिसकंटिन्यू हो रहा है, मतलब उसमें निरंतरता नहीं है। ठीक है, उसके बाद है टू रिड्यूस द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, रिड्यूस मतलब होता है कम करना, मतलब उसके असर को कम करना। यहाँ है टू फेस द रिजल्ट ऑफ, इसका भी मतलब होता है रिजल्ट को फेस करना, मतलब रिजल्ट को ले लेना, उसका सामना करना। टेक द कंसिक्वेंसेस का भी मतलब होता है परिणाम ले लो, रिजल्ट ले लो, और टू फेस द रिजल्ट का भी मतलब होता है रिजल्ट को फेस करना। इसका मतलब है टेक द कंसिक्वेंसेस का सिनोनिम जो हो जाएगा वो टू फेस द रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस एंड कॉन्स का इसमें कह रहा सिनोनिम क्या होगा? प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है भला बुरा, भला इसका हिंदी होता है भला बुरा। भला बुरा का मतलब हो गया, प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है भला बुरा, मतलब किसी के बारे में अच्छा बुरा बात बोलना, नेगेटिव भी बोलना पॉजिटिव भी बोलना। ठीक है ना, यह देखिए प्रिपेयर्ड अगेंस्ट अटैक, इसका मतलब हो गया अटैक के लिए पहले से तैयारी करना। प्रिपेयर्ड अगेंस्ट अटैक का मतलब है लड़ाई के लिए पहले से तैयारी रखना। एडवर्सिटी मतलब होता है विविधता होता है, आपदा हो, सॉरी एडवर्सिटी मतलब आपदा होता है, आपदा मतलब हो गया प्रॉब्लम समस्याएं, आपदा एडवर्सिटी है। ठीक है, अबाउट टू पेरिस, पेरिस मतलब होता है मरना, पेरिस मतलब क्या होता है? मरना। ठीक है ना, About to perish मतलब मरने के करीब। Argument for and against इसका मतलब होता है तर्क वितर्क, Argument for and against का मतलब होता है तर्क वितर्क। अब देखिए अब यहाँ pros and cons का मतलब होता है भला बुरा, यहाँ हो गया argument for and against, मतलब किस पक्ष विपक्ष, मतलब किसी के पक्ष में भी बोल रहे हैं फिर against में भी बोल रहे हैं, विपक्ष में बोल रहे हैं। Pros and cons का भी मतलब भला बुरा हो गया, आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट का भी मतलब हो गया
पक्ष विपक्ष, इसका मतलब इसका सिनोनिम जो हो जाएगा प्रोस एंड कॉन्स का, आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फ्रेंड्स इस क्लास में जो है देखे हैं कि 2012 का जो कमर्शियल क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसमें से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर उसके देखे तो उसमें मेनली प्रीपोजिशन, डिग्री, उसके बाद सिनोनिम, ये तीन तरह के क्वेश्चन जो है उसमें से पूछे गए थे। ठीक है ना, और फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल प्रीपोजिशन है, मतलब कहने का मतलब है कि आप कॉमनली देखिए तो अभी तक जितने भी हम लोग प्रीवियस एग्जाम्स के इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन को देखे हैं तो प्रीपोजिशन कॉमन है, उसमें सिनोनिम कॉमन है, आर्टिकल्स कॉमन है, ठीक है ना, डिग्री कॉमन है, टेंस कॉमन है। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा अगर रिजल्ट लेना है तो। ठीक है, तो तैयारी कीजिए और इससे रिलेटेड हम कोशिश करेंगे कि जो है प्रीपोजिशन वगैरह से रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर का भी कुछ वीडियो वगैरह बनाएं जो आपको हेल्प करे आपके इस ग्रामर को समझने में। ठीक है, एक चीज़ और है, मन में एक विचार आ रहा है कि बहुत सारे हमारे हिंदी फ्रेंड्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, अगर हिंदी के अगर कमर्शियल जिसको हिंदी में वाणिज्य कहते हैं अगर उसके नोट्स को देखें तो हिंदी में पढ़ना बड़ा टफ है। टू नो द कमर्शियल इन प्योर हिंदी इज़ वेरी टफ, इसलिए हम क्या सोच रहे हैं कि क्यों ना जो है इंग्लिश को, इंग्लिश में जो नोट्स है कमर्शियल का उसको इंग्लिश में बनाया जाए, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बनाया जाए, समझाया जाए हिंदी में कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अगर उस पॉइंट को अगर आप याद रखिएगा तो एग्जाम में इजी वे में आप उसको आंसर कर पाइएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू।